जांच एजेंसी है, दुर्भाग देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं। जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा, वो मॉल का क्या नाम है, अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेकर आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है, अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो है हम लोगों का खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं, अब ये IRCTC का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, हार्वर्ड से लेके NCR तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटी से वो लोग छात्र लोग आए, और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पर मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश के संपत्ति को बेच देगा, उस पर कुछ नहीं हो रहा। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है, हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था, लाखों